हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ग्रुप। फ्रेंड्स, जो भी वीडियो क्लिप देखी आपने वो पब्लिश की है आईएमएफ द्वारा। आईएमएफ हर 6 महीने में या फिर साल में 2 बार प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट है बाय एनुअल रिपोर्ट, मीन्स हर 6 महीने में ये प्रोड्यूस की जा रही है या पब्लिश की जा रही है किसके द्वारा, आईएमएफ द्वारा। सो द रिपोर्ट सेज दैट बांग्लादेश इंडिया को बीट कर देगा 2020 में पर कैपिटा जीडीपी के मामले में। पर कैपिटा जीडीपी, किसी कंट्री की जीडीपी को अगर हम उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो निकलेगा पर कैपिटा जीडीपी। मान लीजिए किसी कंट्री की इकॉनमी है $100 की और इसकी पॉपुलेशन है 10 लोग रहते हैं उस कंट्री में, पर कैपिटा जीडीपी होगा इसका $10। एक आदमी $10 कमा रहा है इस मामले में। तो बांग्लादेश सेट टू बीट इंडिया इन पर कैपिटा जीडीपी इन 2020, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमिक हालत हुई है किसकी वजह से, COVID-19 की वजह से और लॉकडाउन की वजह से। तो जो पर कैपिटा जीडीपी होगा वो हो जाएगा $1877 एज कंपेयर टू बांग्लादेश का $188। तो हमारा डिक्लाइन होगा 10.3% का, उनका इंक्रीज होगा 4% का। कुछ सालों पहले तक इंडिया की जो पर कैपिटा जीडीपी थी वो अबाउट 40% हायर थी बांग्लादेश से, बट बांग्लादेश का इकोनॉमिक प्रोग्रेशन मींस बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट, और इंडिया का लो एक्सपोर्ट और स्टैग्नेंट इन्वेस्टमेंट मेड दिस कंडीशन, जिसमें इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी बांग्लादेश से भी नीचे हो चुका है। आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक सेज दैट इंडिया का जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा वो होगा अराउंड 10.3% का, एंड विच इज गोइंग टू बी द थर्ड शार्पेस्ट फॉल। तीसरा सबसे निचले स्तर पर जाएंगे हम किसके बाद, स्पेन और इटली के बाद, जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं COVID-19 से। एंड ऑल्सो द स्टार्केस्ट डिक्लाइन अमंग डेवलपिंग नेशंस एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज। डेवलपिंग नेशन और इमर्जिंग इकोनॉमीज में भी हम सबसे नीचे जाएंगे। चाइनास कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा, 5.7% का, हमारा होगा 10.3% 2020 में, और चाइना का होगा 5.7% का कॉन्ट्रैक्शन, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन। यही नहीं, इंडिया तीसरा सबसे पुएस्ट कंट्री होगा साउथ एशिया में, इसके बाद पाकिस्तान और नेपाल के बाद। क्योंकि जो जीडीपी होगा पर कैपिटा जीडीपी इंडिया का वो किससे कम होगा, बांग्लादेश से भी कम होगा, भूटान से भी, श्रीलंका एंड मालदीव से भी कम होगा, बस हम पाकिस्तान और नेपाल से ही आगे रहेंगे। एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ऑल्सो सेज दैट कि इंडिया का जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा खराब है किसके बाद, 1990s और 1991 की इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद, जहां पर हमारी जीडीपी 17.5% तक कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी। उसके बाद सबसे खराब इकोनॉमिक हालत हमारी अभी हुई है 2020 में COVID-19 की वजह से। देर आर सम गुड न्यूज फ्रॉम IMF रिपोर्ट, इट फोरकास्ट अ शार्प रिकवरी फॉर इंडिया इन 2021 में इंडिया वापस से रिकवर करेगा एंड विल गेट अहेड ऑफ बांग्लादेश वंस अगेन इन पर कैपिटा जीडीपी। पर कैपिटा जीडीपी जिसमें हम अभी पीछे हो जाएंगे किससे, बांग्लादेश से, वंस अगेन हम 2020 में उनसे आगे हो जाएंगे। And report says that India is likely to grow at 8.8% in 2021 and Bangladesh at 5.7%, where China grows at 8.2% in 2021. So, hum phir se regain karenge position the fastest growing emerging or growing economy ki. Wapas se hum attain kar lenge 2021 mein. So, friends, ab aap is question ko attain kar payenge. Which among the following publishes World Economic Outlook? And second question, consider the following statements. World Economic Forum publishes World Economic Outlook and World Economic Outlook released biannually. So please do attempt. Jai Hind.